आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, nerve and muscle cells are in this phase, option 1 G0, option 2 G1, option 3 S and option 4 G2. देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो नर्व सेल्स होती है और मसल सेल्स होती है वो कौन से फेज में होती है। देखो जब सेल्स डिवाइड होती है तो सबसे पहले आती है इंटरफेज, जिसमें हम देखते हैं G1 फेज आती है, देन S फेज आती है, देन G2 फेज आती है। तो इस फेज को तो हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। देन आती है M फेज। M फेज के अंदर क्या होती है, सेल डिवाइड होती है, ठीक है, M फेज। बट हम क्या देखते हैं कि कुछ सेल्स जो होती है वो G1 में जाने की बजाय कहाँ चली जाती है, G0 फेज में चली जाती है, ठीक है। कुछ सेल्स G0 फेज में चली जाती है और G0 फेज को बोलते हैं रेस्टिंग फेज, ठीक है। ऐसी सेल्स जो कि G0 फेज में जाती हैं वो कौन सी होती हैं, तो देखो वो होती है नर्व सेल्स, ठीक है, एंड हार्ट मसल सेल्स। नर्व सेल एंड हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं वो टर्मिनली डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ही सेल मैच्योर हुई, मैच्योर होने के बाद सेल किस में चली जाती है, सेल G0 फेज में चली जाती है, बिकॉज दीज सेल्स बिकम क्वीसेंट, ठीक है, रेस्टिंग फेज में आ जाएंगी क्योंकि ये टर्मिनली डिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक है। नर्व एंड हार्ट सेल्स आर नर्व सेल एंड हार्ट सेल्स जो होती हैं, दी सेल्स बिकम क्वीसेंट ठीक है। फर्दर क्या होगा, व्हेन दे रीच मैच्योरिटी, कब होगा ये, व्हेन दे रीच मैच्योरिटी, और वी कैन से व्हेन दे आर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड। तो सेल्स डिवाइड नहीं करती अब, ठीक है, सेल्स डू नॉट डिवाइड और वो कौन सी फेज में चली जाएंगी, एंड कौन सी फेज में चली जाएंगी, G0 फेज में। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज G0, विच इज गिवन इन option 1। So here only option 1 is the correct answer. Okay? Class 6 to 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।